हम समस्ते अनंत पर्यायी दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध जात्यंध सिंधुर्विदानम् सकल नये विलसितानाम् विरोध मथनम् नमाम्यनेकान्तम् विरोध मथनम् नमाम्यनेकान्तम् पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ, और आज हमारी यहाँ चर्चा है इस ग्रंथ के संदर्भ में अंतिम प्रशस्ति के रूप में। ग्रंथ एक प्रकार से संपन्न हो गया, अमृत चंद्राचार्य द्वारा लिखी गई पूरी रचना पूर्ण हो गई। एक एक शब्द का अर्थ और भाव हमने टोडरमल जी और पंडित दौलत राम जी कासलीवाल साहब के माध्यम से गहराई से जानने और समझने का प्रयत्न किया। जब पूरी चर्चा यहाँ हो गई, अंतिम छंद में अमृत चंद्र स्वामी ने कह दिया कि भैया इसमें मेरा कुछ भी कर्तृत्व नहीं है। कर्तृत्व नहीं है माने कर्तृत्व का वजन मेरे माथे पर नहीं है। इसका मतलब जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुआ है, इसका करने वाला मैं नहीं हूं। ये बातें जिनागम की बहुत गहरी बातें हैं, बहुत सारे लोगों को अटपटी सी लगती है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये क्या बात कह रहे हो यार। लेकिन बात ऐसी ही है भाई साहब कि दुनिया के किसी भी काम का कर्ता मैं नहीं हूं। वस्तु स्वरूप ऐसा ही है कि मेरे चलाने से दुनिया चलती नहीं है। वस्तु स्वरूप ऐसा ही है कि दुनिया के कार्यों का कर्ता मैं कभी नहीं हो सकता। अरे भाई साहब, गहराई से यदि आप इन सब बातों के बारे में विचार करेंगे तो किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। कितना कितना अभिमान हम करते रहते हैं दुनिया में कितने प्रकार के कार्यों का, लेकिन सच्चाई तो यही है कि भैया होता स्वयं जगत परिणाम। सारे जगत का परिणाम स्वतंत्र हो रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ, रोड के बीच में खड्डा किसने किया? मैं आपसे पूछता हूँ, आसमान में बिजलियाँ चमक रही है, वे किसने चमकाई? मैं आपसे पूछता हूँ, बादल बन गए हैं, कैसे बन गए हैं? इंद्रधनुष बन गया है, वो कैसे हो गया है? पेड़ बड़ा हो गया है, पेड़ के पत्ते झड़ने लगे हैं, पतझड़ का मौसम आ गया है, मौसम बदल रहा है, कहीं बरसात आ रही है, कहीं बिजलियां गिर रही है, कहीं ओले गिर रहे हैं, कहीं ठंड पड़ रही है, कहीं गर्मी पड़ रही है, ये सब कर कौन रहा है ये तो बतलाइए। जब आप दुनिया की इन परिस्थितियों को गहराई से देखने का प्रयत्न करेंगे तो आपके मुंह से भी अपने आप यही वाक्य निकलेगा, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। होता स्वयं जगत परिणाम। और आचार्य देव ने यहाँ बहुत सरल शब्दों में ये कह दिया कि जो ग्रंथ की रचना हुई है, इस ग्रंथ की रचना में भी मेरा कुछ कर्तृत्व नहीं है। कितनी विनम्रता थी, कितनी सरलता थी, और वस्तु स्वरूप का दिग्दर्शन था, वस्तु स्वरूप के स्वाधीनता की घोषणा थी। बड़ी सुंदर पंक्तियों से ग्रंथ संपन्नता को प्राप्त हुआ। अंतिम प्रशस्ति टीकाकार के माध्यम से लिखी गई, जिसे आज हम यहाँ पढ़ करके इस ग्रंथ को संपन्न करने का प्रयत्न करेंगे। अंतिम प्रश्न निकालिए, पंडित श्री दौलत राम जी कृत भाष्य टीका समाप्त। तो भाष्य टीका तो समाप्त हो गई, अब पंडित श्री दौलत राम जी कृत अंतिम प्रशस्ति। प्रशस्ति, अंतिम प्रशस्ति क्या होता है? प्रशस्ति माने जानकारी, प्रशस्ति माने सामान्य सूचना। क्या प्रशस्ति का मतलब? ये कह रहे हैं हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या कर चुके हैं वो बता रहे हैं। कब किया, कौन से समय में किया, कब पूर्ण हुई, क्या घटनाएं, क्या परिस्थितियां, वातावरण कैसा था, माहौल किस तरह का था, देश दुनिया समाज की क्या स्थिति थी। मैंने आपको शायद 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन भी इस तरह की चर्चाएं आपके बीच में की है। देश का उपकार मानना, राजाओं का उपकार मानना, जिन राजाओं के शासनकाल में ये कार्य संपन्न हुआ हो
उन राजाओं का भी उपकार माना है हमारे वितरागी संतों ने, हमारे विद्वानों ने, हमारे ज्ञानी धर्मात्मा पुरुषों ने। भाई साहब धन्य है ये समय, जिस समय में हम ये कार्य संपन्न कर पाए। किसका शासन चलता था, कौन राजा था, किसके निर्देशन में राजकाज होता था, उसने विघ्न नहीं किए, उसने बाधाएं उत्पन्न नहीं की, उसके शासन काल में इतनी शांति थी जिसकी वजह से हम शांति से कार्य कर सके, ये बातें कहते हैं। और ये सारी बातें यहाँ इन्होंने अंतिम प्रशस्ति के संदर्भ में प्रस्तुत की है। दौलत राम जी अपने माध्यम से क्या बात कहना चाहते हैं अंत में, वो बात यहाँ हम पढ़ रहे हैं। निकालिए आप लोग पुस्तकें, आप सबके पास में है। अंतिम बार बतला रहा हूँ, इसका पेज नंबर 272 हमारे पास जो हिंदी की पुस्तकें में है, इनमें 272 नंबर का यह पेज है, दोहा छंद है। गुजराती की पुस्तकों में और पुरानी पुस्तकों में अलग अलग पेज नंबर आपकी स्क्रीन से आप देख सकते हैं। देखिए, अमृत चंद्र मुनीन्द्र कृत ग्रंथ श्राव का चार अध्यात्म रूपी महा आर्या छंद जुसार। क्या कह रहे हैं, 205 नंबर पेज, 192 नंबर गुजराती का पेज देखो। अमृत चंद्र मुनीन्द्र कृत, अमृत चंद्र मुनिराज के द्वारा किया गया ग्रंथ, नाम क्या है, श्राव का चार ग्रंथ, और अध्यात्म रूपी महा, महान ग्रंथ है अध्यात्म का। जिस ग्रंथ की हम चर्चा आपके बीच में कर रहे हैं, ये ग्रंथ अध्यात्म का कोई महान ग्रंथ है, और आर्या छंद के अंदर पूरा का पूरा ग्रंथ लिखा गया है। ये जितना पूरा ग्रंथ लिखा गया है, ये पूरा का पूरा ग्रंथ आर्या छंद में लिखा गया है। प्राकृत में यदि होता तो इसी छंद को गाथा छंद कहते, संस्कृत में इस छंद को आर्या छंद कहते हैं, हिंदी में जब रच दिया जाता है तो उसे दोहा छंद कहते हैं। क्या वही मात्राएं अक्षर होते हैं, वही गाने की भी लगभग उसी तरह की स्टाइल होती है उनकी। तो अध्यात्म का यह महान ग्रंथ है अमृत चंद्राचार्य के द्वारा लिखा गया है, और इस ग्रंथ का नाम श्राव का चार्य है, श्रावकों के जीवन और जीवन शैली को बतलाने वाला ये ग्रंथ है। आप लोगों को स्मरण में होगा, आप सब लोग जिन्होंने इस ग्रंथ का आद्योपांत ग्रंथ के स्वाध्याय का संकल्प लिया, आज हमारा वो संकल्प यहाँ पूरा हो रहा है। आर्या, आर्या ये छंद का नाम है, जैसे होते हैं ना दोहा है, सोरठा है, चौपाई है, ये तो हिंदी के छंदों के नाम है, हरि गीत है, ये हिंदी के छंदों के नाम है। इसी तरह से संस्कृत के छंदों के नाम है, जैसे आर्या छंद है, तो भक्तावर स्तोत्र जिसमें लिखा गया है वो वसंत तिलका छंद है, शार्दूल विक्रीडित छंद है, मालिनी छंद है, उपजाति छंद है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरह के छंद संस्कृत भाषा के छंद हैं, उनमें एक आर्या नाम का एक छंद है। व्याकरण की दृष्टि से समझिए आप, कितने अक्षर होते हैं, कितनी मात्राएं होती है, हर छंद के गाने की धुन अलग अलग होती है, उसे उस धुन में गाया जाता है। आर्य छंद की बात हुई, क्या कह रहे हैं इसमें, इस ग्रंथ में वर्णन क्या किया, पुरुषार्थ की सिद्धि को जामे परम उपाय, जाहि सुनत भव भ्रम मिटे आत्म तत्व लखाए, आत्म तत्व लखाए। क्या कह रहे हैं, पुरुषार्थ की सिद्धि का जिसमें परम उपाय है, अमृत चंद्राचार्य का ये ग्रंथ जिस ग्रंथ का नाम पुरुषार्थ सिद्धि उपाय था, ये पुरुषार्थ की सिद्धि का इसमें परम उपाय बतलाया गया है। जाहि सुनत, जिसको सुनने मात्र से भव भ्रम मिटे, ओ भव भाव के भ्रम मिट जाते हैं, धोखे मिट जाते हैं, टेंशन मिट जाती है, जगत का भ्रम जाहि सुनत भव भ्रम मिटे, ओ आत्म तत्व लखाएं। क्या गजब की बात कह रहे हैं भाई साहब, ग्रंथों की रचनाएं आत्म तत्व को देखने के लिए हुई है,
शास्त्रों की रचनाएं अपने आप को देखने के लिए हुई है, ये जनवाणी जनवाणी के लिए नहीं है, ये जनवाणी सुनने मात्र के लिए नहीं है, ये जनवाणी टाइम पास नहीं है, ये जनवाणी आत्म कल्याण के लिए है, ये जनवाणी अपने आप को देखने के लिए है। क्या कह रहे हैं यहां, आत्म तत्व लखाएं और जहां ही सुनत भव भ्रम मिटे। संसार में जितने भ्रम हैं, हमें धोखा हो गया है कि मैं करने वाला हूं, मुझे भ्रम है कि इसका कर्ता धर्ता मैं हूं, मुझे गलत फहमी है कि मैं मनुष्य हूं, मुझे गलत फहमी है कि मैं सैनी पंचेंद्रीय हूं, मुझे गलत फहमी है कि ये मेरा परिवार है, मुझे गलत फहमी है कि मैं पैसा कमाता हूं, मुझे गलत फहमी है कि मैंने इतना कमाया और इतने इकट्ठे कर लिए हैं। बहुत बड़ी गलत फहमी में है भाई साहब, यहां तो बात कुछ और कह रहे हैं। जाई सुनत भव भ्रम मिटे, जनवाणी है जनवाणी, जिसको सुनने मात्र से जगत के सारे भ्रम भ्रम के बादल छट जाते हैं, ये जनवाणी है। जाई सुनत, जिसको सुनने मात्र से, जिन वैन सुनत मोरी भूल भगी। पंडित जी साहब, आलोक जी भाई साहब, जिनको सुनने मात्र से मेरी भूल मिट जाती है, जिन वचन कान में पढ़ने मात्र से कानों के कीड़े झड़ते हैं, मिथ्यात्व की परत उतरती है, भ्रम टूटता है, गलत फहमी चली जाती है, धोखा निकल जाता है, इस जीव की मिथ्या मान्यताएं टूट जाती हैं, मिथ्या मान्यताओं के ऊपर मानो बिजली पड़ जाती है। क्या शब्द हैं, एक एक शब्द कितना गजब का है, सुनकर के ऐसा लग रहा है जैसे पुरुषार्थ, वाह, पुरुषार्थ की सिद्धि का जामे परम उपाय, पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय, नाम भी आ गया, ग्रंथ का नाम भी आ गया, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, और भाव भी बतला दिया कि इस ग्रंथ में पुरुषार्थ की सिद्धि के उपाय को बतलाया गया है, पुरुषार्थ की सिद्धि के मार्ग को बतलाया गया है इस शास्त्र के अंदर। जिन्होंने आज तक नहीं सुना हो, वे आज सुन लेंगे कि इस ग्रंथ के अंदर क्या चर्चा हुई है पिछले 250 प्रवचनों में, पिछले 8 महीनों के अंदर इस ग्रंथ के अंदर क्या चर्चा हुई है, ये कह रहे हैं इसको सुनने मात्र से भाव भ्रम भाव भ्रम। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पेज नंबर 52 पर 52 नंबर पेज पर लिखा है, भ्रम जनित दुख का उपाय, भ्रम दूर करना है। ओह, सारी जिंदगी भ्रम में निकल रही है, सारी जिंदगी गलत फहमी में निकल रही है, हूं कौन, मानता हूं क्या, समझता हूं क्या अपने आप को। भाषा टीका अब आगे, भ्रम निकलेगा तो क्या होगा, पहले ऊपर वाली लाइन देखना, जा ही सुनत भव भ्रम मिटे और आत्म तत्व लखाए, लखाए माने देखना, दिखाई देना, क्या दिखाई देता है, बोले आत्म तत्व दिखाई देता है, किसको देखने से, ग्रंथ को देखने से। राजेश जी भाई साहब शिकागो से बोलो, इस ग्रंथ को देखने से क्या दिख रहा है, आत्म तत्व दिखता है। अब टटोलना जरा अपने आप को, पूरा ग्रंथ पढ़ लिया, पूरे ग्रंथ का आद्योपांत स्वाध्याय कर लिया, गहराई से ग्रंथ को पढ़ा, भाव और भाषा को समझने का प्रयत्न किया, आत्मा दिखा के नहीं दिखा भाई साहब, टटोलो अपने आप को, देखो अपने आप को। ग्रंथ तो ये कह रहा है पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय इसमें बतलाया गया है, आपका पुरुषार्थ प्रकट हुआ है कि नहीं हुआ है, इसमें कहा गया है कि ये ग्रंथ तो आत्मा को दिखाने वाला है, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपको आत्मा इस ग्रंथ के माध्यम से अपने अंदर में दिखा के नहीं दिखा है, देखना जरा, बोलो समझ में आ रही है बात, क्या कह रहे हैं, आत्म तत्व लखाए कि साहब थोड़ा वर्णन तो करो इस ग्रंथ में और क्या क्या बातें हुई थी, कि सुनो सुनो धैर्य रखो, सारी बात बतलाएंगे, पूरी कहानी बताएंगे, पूरी स्टोरी बतलाएंगे, ये ग्रंथ कैसे लिखा गया, इस ग्रंथ के लिखने में प्रेरणा क्या हुई, इस ग्रंथ की कर्ता कौन थे, किसने शुरुआत किया और क्या था, पूरी कहानी बतलाएंगे। आगे लिख रहे भाषा टीका ता ऊपरी, क्या भाषा टीका ता उपरी कीनी टोडर मल मुनिवर वृत्तिवा की रही जाके माही अचल। अरे बड़े गजब की बातें हैं भाई साहब, क्या बड़ी गजब गजब के शब्द हैं, पता है कवि का कवित्वपना, कवि की काव्य शैली, विद्वानों की विद्वत्ता कब ज्यादा विशेष रूप से मुखरित होती हुई दिखाई देती है, जब छंदों में कुछ इस तरह के प्रयोग हो कि जिनमें बात कहे एक और निशाना लगे दो, एक तीर से दो निशाने जैसी बात हो। अर्थ देखो छंद का, मैं बतलाता हूं आपको, दो अर्थ बतलाता हूं यहां, आपको मजा आएगा सुनकर के,
भाषा टीका ता ऊपरी, इसके ऊपर भाषा टीका, भाषा टीका ता ऊपरी। अभी जो पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय आत्म तत्व को बतलाने वाला, भ्रम को छुड़ा देने वाला ये जो ग्रंथ है, क्या ये जो ग्रंथ है जिस ग्रंथ को हमने क्या कहा है, पुरुषार्थ की सिद्धि का उपाय, जिससे भ्रम मिट गए हैं, जिससे आत्मा दिखाई देने लगा है, भाषा टीका इसके ऊपर की गई। किसके द्वारा? कीनी टोडर मल, टोडर मल जी के माध्यम से ये बात की गई। मैं आपको बतला सकता हूं कि पंडित दौलत राम जी कासलीवाल साहब उम्र में टोडरमल जी से बड़े थे, टोडरमल जी से पहले इनका जन्म हो गया था। इनके बारे में भी क्या बताऊं मैं आपको, हमारे डॉक्टर वीर सागर जी है ना, उन्होंने पीएचडी किए दौलत राम जी कासलीवाल के ऊपर। दौलत राम जी कासलीवाल साहब के ऊपर पीएचडी ग्रंथ है उनका, काफी बड़ा थीसिस लिखी है उन्होंने, रिसर्च की है पूरी दौलत राम जी कासलीवाल साहब के पास, बहुत काम किए हैं इन्होंने। लगभग 20 ग्रंथों की रचना दौलत राम जी कासलीवाल साहब के माध्यम से हुई है। आपको यदि मैं बतलाऊं थोड़ा सा इनके परिचय के बारे में, दौलत राम जी के बारे में, जिन्होंने ये काम किया है, दौलत राम जी ने अपने जो महान ग्रंथ जो पुराण साहित्य, उस पुराण साहित्य को हिंदी भाषी लोगों के साथ में जोड़ने का काम किया है इन्होंने, दौलत राम जी। दौलत राम जी छेड़ाला जिन्होंने लिखी है, वो दौलत राम जी तो बहुत प्रसिद्ध हैं, उन दौलत राम जी को तो आप सब जानते हैं, लेकिन मैं इन दौलत राम जी कासलीवाल साहब की बात कर रहा हूं जिन्होंने पद्म पुराण की भाषा वचनिका लिखी, जिन्होंने हरिवंश पुराण की भाषा वचनिका लिखी, जिन्होंने आदि पुराण की भाषा वचनिका लिखी। ये तीन पुराण, सारा पुराण साहित्य आ गया इन तीन में। जैन रामायण के रूप में जाना जाता है जिसे, पद्म पुराण को, उस पद्म पुराण को हिंदी भाषी लोगों के लिए हिंदी अनुवाद करके जोड़ने का काम यदि किसी ने किया है तो दौलत राम जी कासलीवाल साहब ने किया है। पता है ऐसा बतलाते हैं कि ये जिस समय दौलत राम जी कासलीवाल साहब ने इस ग्रंथ का, पद्म पुराण का अनुवाद किया, ये रामायण के नाम से चलता था। सबसे ज्यादा यदि पांडुलिपियां आज पूरे देश में जैन और जैनेतर साहित्य में, यदि हिंदी भाषा में यदि कोई पांडुलिपियां मिलती हैं तो सबसे ज्यादा पांडुलिपियां मिलती है पद्म पुराण की, रामायण रामायण रामायण। दौलत राम जी कासलीवाल साहब ने उसका अनुवाद किया, हिंदी भाषियों के साथ में उसे जोड़ा। जब इन्होंने हिंदी भाषियों के साथ में जोड़ा तो महाराष्ट्र और कर्नाटक प्रांत तक के तमिल उस साइड के लोग, दक्षिण भारत के लोग, उन्होंने सिर्फ इस जैन रामायण को पढ़ने के लिए हिंदी भाषा को सीखना प्रारंभ कर दिया। जैन रामायण पढ़नी है, जैन रामायण, आप हिंदी क्यों पढ़ रहे हो, आप हिंदी क्यों सीख रहे हो, जैन रामायण पढ़ेंगे। दौलत राम जी ने जैन रामायण लिखी है, क्या क्या चीज है वो। जैन रामायण हो गई पद्म पुराण, जैन महाभारत हो गई हरिवंश पुराण, आदि पुराण, इन पुराणों की वचनिकाकार, सफल वचनिकाकार है ये। टोडरमल जी का जीवन पूरा हो जाने के बाद इन्होंने ये काम किया। देखो ये लिख रहे हैं यहां, अभी खुद ही बतलाएंगे पूरा इतिहास, खुद ही बतलाएंगे पूरी जानकारी, क्या व्यक्तित्व थे ये। भाषा टीका ता ऊपरी कीनी टोडरमल, टोडरमल जी उम्र में बहुत छोटे थे, टोडरमल जी की सभा में आते थे ये जयपुर आए ना, बसवा के रहने वाले थे, भी आएगी चर्चा बतलाएंगे, बसवा के रहने वाले थे। और फिर 21 साल की उम्र तक कोई जैन धर्म का कोई अभ्यास नहीं किया इन्होंने, युवा हो गए लगभग, कोई काम नहीं, कोई कमाना धमाना नहीं, मंदिर अंदिर जाना नहीं, धर्म ध्यान करना नहीं, कुछ सूझता नहीं था इनको। दौलत राम जी की बात बतला रहा हूं, 21 साल की उम्र, पिताजी डांटते रहते थे, बहुत डांटते थे। तो अब ये डांट खाते खाते एकदम, ये तो एक दिन इतना डांटा इनको, इतना डांटा, नालायक तुझे समझ में नहीं आता है, नहीं तो कमाता है, नहीं धर्म ध्यान करता है, तू करेगा क्या जिंदगी भर के, बेटा खाएगा क्या मेरे पास में। ओ पिताजी ने डांट दिया, वो खराब है, क्या क्या बात कर रहे हो, निकल जा घर से, घर छोड़ करके निकल गए। अब क्या करें बोलो, घर छोड़ करके निकल गए, और घर छोड़ करके निकल गए तो आगरा चले गए, बसवा के रहने वाले थे, आगरा चले गए। आगरा में वहां गए तो वहां जाकर के काम वाम करने लगे कुछ अपना, बसवा है जयपुर के पास में,
दौसा डिस्ट्रिक्ट में है आजकल, राजस्थान का ये छोटा सा कस्बा है, जयपुर रेलवे स्टेशन से 103 किलोमीटर है बसवा। बहुत अच्छा जैन मंदिर है, अभी तो काफी जीर्णोद्धार हो गया है उसका, बहुत सुंदर मंदिर है वहां बसवा। वहां बसवा के रहने वाले थे दौलत राम जी कासलीवाल, और वहां से निकाल दिया पिताजी ने, तो निकल करके चले गए आगरा। आगरा में गए तो वहां जाकर के नौकरी वोकरी करने लग गए। जब नौकरी वोकरी काम वाम करते थे तो शाम का समय थोड़ा सा फ्री रहता था, शाम का समय फ्री रहता था तो पास में ही मंदिर था वहां, और मंदिर में जाने लग गए शाम को। मंदिर में वहां भूधर दास जी का प्रवचन होता था, व्याख्यान होते थे, प्रवचन में बैठने लग गए। 21 साल की उम्र तक कुछ नहीं किया था, कोई संस्कार नहीं, कुछ नहीं, कोई धर्म ध्यान नहीं। अब देखो कैसे होनहार बदल जाती है व्यक्ति की, विद बदल गया था, लाइफ बदल गई उनकी। तो अब वहां जाकर के भूधर दास जी के प्रवचन सुनने लग गए, सभा में बैठने लग गए। वहां व्याकरण पढ़ाई जाती थी, संस्कृत पढ़ाई जाती थी, न्याय पढ़ाया जाता था, सिद्धांत पढ़ाए जाते थे। संस्कृत का अभ्यास, व्याकरण का अभ्यास, न्याय का अभ्यास, प्राकृत का अभ्यास, जैन साहित्य के गूढ़ रचनाओं को इन्होंने गहराई से समझा। क्या समझ में आ रही है बात? बहुत गहराई से। अब बुद्धि तो तेज थी, अब संस्कृत जानने लग गए, व्याकरण जानने लग गए। पता है उसके बाद जयपुर बसाना, इधर जब जयपुर बसने लगा, सवाई जयसिंह ने जब जयपुर बसाया तो सवाई जयसिंह तक उधर से इनकी ख्याति और प्रसिद्धि के समाचार पहुंचे, और जयपुर के नरेश सवाई जयसिंह ने इनको अपने यहां काम के लिए बुला लिया जयपुर। अब सोचो जरा आप, इधर जयपुर बसाया जयपुर नरेश ने, सवाई जयसिंह ने, जयसिंह ने बसाया जयपुर, इसलिए उसका नाम जयपुर है। जयपुर बसने के पहले इनका जन्म हो गया था बसवा में। अब क्या हुआ, ये जयपुर आ गए और सवाई जयसिंह के यहां काम करने लगे। अब जयसिंह के यहां काम कर रहे थे, राजा के यहां राज करते थे। अब वो राजधानी थी आगरा उस समय, जब ये आगरा गए थे छोड़कर के, तो आगरा भारत की राजधानी थी, भारत की राजधानी हुआ करती थी, देश की राजधानी। जब देश की राजधानी आगरा हुआ करती थी तो आगरा के अंदर उनको काम वाम मिल गया बहुत, और न्याय व्याकरण और सब कुछ अच्छा अभ्यास हो गया, तो बहुत होशियार हो गए, कई भाषाओं के जानकार हो गए, वहां पर जैन सिद्धांतों के पारगामी विद्वान हो गए। ये जानकर के जयपुर नरेश ने यहां बुला लिया। फिर यहां बुलाया तो यहां काफी समय तक जयपुर में रहे, जयपुर में रहे, और फिर बाद में उदयपुर के राजा के यहां भेजा, जयपुर के राजा ने। उदयपुर में जयपुर नरेश के राजदूत बनकर के रहते थे वहां उदयपुर में, जयपुर में रहे। तो बाद में फिर टोडरमल जी तो बच्चे थे इनसे, उम्र में काफी छोटे थे, टोडरमल जी का प्रवचन सुनने के लिए जाते थे टोडरमल जी के मंदिर में, दौलत राम जी कासलीवाल साहब। कभी पंडित जी साहब नहीं होते थे तो दौलत राम जी कासलीवाल साहब उसी मंदिर में प्रवचन करते थे, जहां अपने टोडरमल जी के मंदिर में प्रवचन सुबह होते हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर जो प्रवचन चलते हैं ना अपने, उसी जगह पर दौलत राम जी कासलीवाल साहब ने प्रवचन किए। और देखो आप, अब वो टोडरमल जी की महिमा कितनी है इनके हृदय में। बच्चे थे, बालकवत थे, खुद भी बहुत विद्वान थे, खुद ने भी बहुत काम किया, लेकिन टोडरमल जी ने जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ उनका जब अधूरा रह गया, देखो ये बात कह रहे हैं, महिमा गा रहे हैं टोडरमल जी की, सुनना जरा। एक बुजुर्ग विद्वान, बड़े विद्वान, टोडरमल जी से मैं समझता हूं कि 25-30 साल बड़े होंगे, एक बड़े विद्वान 25-30 साल उम्र में बड़े विद्वान, जब टोडरमल जी जैसे युवा और छोटे विद्वानों की महिमा गा रहे हैं, तो बात देखना जरा क्या लिख रहे हैं नीचे। भाषा टीका ता ऊपरी कीनी टोडरमल मुनिवर वृत्तित्वा की रही ताके माही अचल। सुनना सुनना, बड़ी गजब की लाइन है। मुनिवर वृत्ति वा की रही, टोडरमल जी की महिमा गा रहे हैं। अरे टोडरमल जी क्या व्यक्तित्व थे, टोडरमल जी तो साक्षात मुनिराज थे। इन भरत क्षेत्र के जीवों के लिए, इस जयपुर नगर के जीवों के लिए, भारत भारत के लोगों के लिए, जिस समय में एक भी दिगंबर संत का सद्भाव नहीं था इस पूरी भारत भूमि पर, उस समय पर ये टोडरमल जी मानो मुनिराजों जैसे थे। मुनिवर वृत्ति वाकी थी टोडरमल जी का जीवन, टोडरमल जी की लाइफ स्टाइल, टोडरमल जी का रहन सहन, टोडरमल जी का खान पान, टोडरमल जी का जीवन, टोडरमल जी की विद्वत्ता, टोडरमल जी की लेखनी, इन सारी बातों को देख करके यहां क्या लिख रहे हैं दौलत राम जी। मुनिवर वृत्ति वाकी,
उनकी तो, अरे टोडरमल जी की क्या बात करें साहब, मुनिराजों जैसा जीवन था टोडरमल जी का, ऐसा कह रहे हैं। मुनिवर वृत्ति बाकी रही है? और ताके माही उनके अंदर अचल अचल मुनिवर वृत्ति थी। ये कैसे पता कि इनके सामने तो सारा घटना चक्र घूमा है, इन्हें क्या नहीं पता था? इनको तो सब पता था टोडरमल जी के साथ में क्या घटना घट गई है। इन्हें तो सब पता था कि टोडरमल जी के साथ में क्या षड्यंत्र रच दिया गया है। इन्हें सारी बातों का पता था। ये जानते थे ऐसी घटना घटी, कितना शांति से टोडरमल जी ने अपने देह का त्याग किया। ओहो आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी क्या काम किया उन्होंने भाई साहब। मुनिवर वृत्ति बाकी रही, एक अर्थ कर दिया मैंने इस लाइन का। दूसरा अर्थ करता हूं, मुनिवरों की वृत्ति माने चर्या बाकी रह गई थी। क्या क्या कहा? यह पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जिसकी टीका दौलत राम जी लिखने की बात आई यहां, ये कह रहे हैं टोडरमल जी ने जितना वर्णन किया ना, 196 नंबर श्लोक तक तो टोडरमल जी ने वर्णन कर दिया, 196 नंबर श्लोक तक। श्रावकों की चर्चा पूरी हो गई और 197 नंबर श्लोक से अब मुनिराजों की चर्चा प्रारंभ हो गई। कैसा सुमेल है देखो आप, मुनिराजों की जो चर्चा थी वो बाकी रही और वे तो परभव को गए, जयपुर नगर मझार सब साधर्मी तब कियो मन में यही विचार। ओहो सुनना क्या क्या गजब की बात कह रहे हैं भाई साहब। मुनिराजों की वृत्ति बाकी रह गई थी। मुनिराज वृत्ति माने व्याख्या, वृत्ति माने टीका, मुनिवर मतलब मुनिराजों की, वृत्ति माने टीका, कहते वृत्ति है, ये वृत्ति है, व्याख्या व्याख्या टीका को वृत्ति कहते हैं। बाकी रही, अब बाकी रही और बाकी रही फर्क है दोनों में। बाकी मतलब उनकी और बाकी मतलब शेष, बाकी मतलब बची हुई। तो मुनिराजों जैसी, मुनिराजों की जो चर्चा है वो बाकी रह गई थी और टोडरमल जी तो परलोक से जाड़ गए। घटना बतला रहे पूरी, घटना का चित्रण भी हो गया है। मुनिवर वृत्ति, क्योंकि एक अपन ने पीछे देखा था टोडरमल जी द्वारा किया गया जो वर्णन है वो 196 नंबर श्लोक तक था और उसके बाद में दौलत राम जी कासलीवाल साहब ने भाषा वचनिका शुरू की। तो मुनिवर वृत्ति बाकी रही और ताके माही अचल है। अब वो अचल टोडरमल जी की अचलता की बात कर रहे हैं, वास्तव में तो महिमा टोडरमल जी की गाई है। ये दूसरा अर्थ तो अपन ने सहज निकाल लिया जो सहज बन गया कि मुनिराजों की चर्चा शेष रह गई थी, ये तो अपन ने एक्स्ट्रा अर्थ निकाल लिया। बाकी सही बात तो ये है कि ये कह रहे मुनिराजों जैसी अचल वृत्ति थी टोडरमल जी की। मुनिराज जिस तरह से धीर वीर गंभीर होते हैं, मुनिराज जिस तरह से उपसर्गों के काल में अड़िग रहते हैं, मुनिराजों के ऊपर कितने भी उपसर्ग क्यों नहीं आ जावे लेकिन उसके बावजूद भी मुनिराज विचलित नहीं होते हैं, ऐसे अड़िग और अचल रहने वाली वृत्ति यदि उन्होंने अपने जीवन में किसी की देखी तो टोडरमल जी की ये वृत्ति देखी उन्होंने। क्या ख्याल में आई बात? वे तो परभव को गए, टोडरमल जी तो परभव को सिधार गए। जयपुर नगर मझार, जयपुर नगर के बीच में, जयपुर नगर में ही वे तो परलोक को सिधार गए। और सब साधर्मी तब कियो मन में यही विचार, सारे साधर्मियों ने मिलकर के मन में यही विचार किया। ग्रंथ महा उपदेश मय परम धाम को मूल, टीका पूर्ण होए तो मिटे जीव की भूल। क्या क्या कह रहे हैं? ग्रंथ महा उपदेश मय, सब लोगों ने मिलकर के विचार किया भैया साधर्मियों ने, अरे यार भैया ग्रंथ अधूरा रह गया, ग्रंथ अधूरा रह गया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, पता होना चाहिए, ये जैन इतिहास की घटनाएं हैं और इतिहास की चर्चाएं हैं। टोडरमल जी का जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक अधूरा रह गया, उस अधूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ को पूरा करने के लिए भी पंडित दौलत राम जी कासलीवाल साहब के पास में संदेश भेजा गया, निवेदन किया गया, समाज ने निवेदन किया कि दौलत राम जी साहब आप तो बड़े विद्वान हैं, आप टोडरमल जी द्वारा लिखे गए मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ को पूरा करो, आप कर सकते हैं पूरा, आप में ऐसी योग्यता, आप में ऐसी विद्वत्ता। मना कर दिया,
अरे टोडरमल तो महान आत्मा थे, टोडरमल तो महान विद्वान थे, उनके हृदय में क्या था, वे क्या लिखना चाहते थे, उनके हृदय की गहराई, उनके चिंतन की गहराई मैं नहीं कर सकता। कोई टीका ग्रंथ होता, कोई व्याख्या ग्रंथ होता तो मैं पूरा कर देता, बचा हुआ कोई होता तो श्लोक का अनुवाद करना होता तो कर देता, व्याख्या करनी हो बेस तो मिल जाता है ना कि इसकी व्याख्या करनी है। तो ये कह रहे हैं भैया कोई बात नहीं, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की भी अधूरी रह गई है। साधर्मियों ने मिलकर के निवेदन किया दौलत राम जी साहब से कि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका भी साहब रह गई है, अधूरी रह गई है। सब साधर्मी तब कियो मन में यही विचार, साधर्मियों ने मन में विचार किया, सुनना ये ग्रंथ बहा उपदेशमय है, चरणानुयोग की चर्चाएं हैं, खान पान की चर्चाएं हैं, आलू के त्याग की चर्चा है, शराब के त्याग की चर्चा है, मांस के त्याग की चर्चा है, अहिंसा के पालन की चर्चाएं, अहिंसक आचरण की चर्चाएं हैं, सत्य बोलने की चर्चाएं हैं, संलेखना की चर्चाएं हैं, समाधि मरण की चर्चाएं हैं, ये कितनी कितनी चर्चाएं हैं। देखो आप इन सब बातें महा उपदेशमय ग्रंथ है ये, परम धाम का मूल। परम धाम क्या चीज है, परम धाम है सिद्ध शिला और उसका मूल है ये ग्रंथ, श्रावकाचार ग्रंथ। और टीका यदि इसकी पूरी हो जावे तो जीव की भूले निकल जावे। लोगों ने मन में ये विचार किया भैया ग्रंथ की टीका अधूरी पड़ी है, इस ग्रंथ की टीका यदि पूर्ण हो जाए, कोई ग्रंथ की टीका को पूर्ण कर देवे तो जीवों की भूल निकल जावे। क्या देखो साधर मिन में मुख्य है रतन चंद दीवान, पृथ्वी सिंह नरेश को श्रद्धावान सुजान। सुनना देखिए, सवाई जय सिंह ने बसाया था जयपुर नगर, जय सिंह ने बसाया, जय सिंह सवाई जय सिंह आगरा से इनको ले आए थे यहां जयपुर। सवाई जय सिंह के जो जयपुर नरेश थे जिन्होंने जयपुर बसाया था, उनके ये वकील हुआ करते थे, राजदूत जैसे थे ये, प्रमुख माने मुख्य सलाहकारों के अंदर थे, बहुत बड़ा वर्चस्व था इनका दौलत राम जी कासलीवाल साहब का, माने बहुत सम्मान मिले इनको, राजकीय सम्मान प्राप्त हुए थे उस जमाने में। आज के समय में जैसे राष्ट्रपति सम्मान होते हैं ना, ऐसे सम्मान मिले दौलत राम जी कासलीवाल साहब को, इनके व्यक्तित्व के लिए, इनकी ईमानदारी के लिए, इनके कार्य के लिए, इनके योगदान के लिए राजाओं के माध्यम से। फिर बाद में क्या हुआ, ये उदयपुर चले गए, जयपुर रहे, जयपुर आते जाते रहते थे, उदयपुर चले जाते थे। बीच में सवाई जय सिंह की मृत्यु के पश्चात माधो सिंह का राज आया, क्या जयपुर नरेश माधो सिंह। और माधो सिंह के राजकाल में टोडरमल जी की मृत्यु हुई, साल दो साल ही राज किया उसने माधो सिंह ने। फिर माधो सिंह के पश्चात ये राजा बने कौन, पृथ्वी सिंह जयपुर के राजा, ये नरेश के बेटे होंगे, बाद में ये राजा बने होंगे। तो ये क्या कह रहे हैं यहां, और वो तो पुराने थे, जय सिंह के समय से राजपाट संभालते थे, राजकाज के अंदर सहयोग प्रदान करते थे, राजदूत की तरह से थे। तो ये कह रहे हैं साधर मिन में मुख्य है रतन चंद दीवान, दीवान रतन चंद जी हुआ करते थे, टोडरमल जी के भी प्रमुख श्रोताओं में से एक थे, और जयपुर नरेश के यहाँ दीवान थे वो दीवान थे, ये राजदूत थे दौलत राम जी कासलीवाल। और पृथ्वी सिंह नरेश को, अब राजा की महिमा गा रहे हैं, देखो आप राजा की बात बतला रहे हैं, पृथ्वी सिंह नरेश, माधो सिंह के बारे में तो क्या कहें, जयपुर नरेश रहे हैं लेकिन उन्होंने अच्छा नहीं किया, अच्छा वर्ताव नहीं रहा, जैन दीवानों का वर्चस्व रहा है राजघरानों में, दीवान परिवार, दीवान साहब, दीवान साहब बहुत सब, हमने संजय जी दीवान है, हमारे सुरेंद्र जी दीवान जयपुर के, बहुत सारे ऐसे दीवान परिवार के बहुत सारे लोग जो दीवान है हमारे सुरेंद्र जी दीवान है, बहुत सारे लोग हैं इस तरह के। देखिए क्या कह रहे हैं, पृथ्वी सिंह नरेश को श्रद्धावान जानकर, श्रद्धावान था वो, बहुत श्रद्धालु था पृथ्वी सिंह, राजा था जयपुर का, सुजान माने ज्ञानवान था, और तिनके अति रुचि धर्म सो, धर्म से भी बहुत रुचि थी उनकी, श्रद्धावान भी था, ज्ञानवान भी था, और धार्मिक रुचि भी थी उनकी, और साधर्मियों के प्रति प्रीति की भावना भी थी। माधो सिंह ने जो काम किया मैंने पहले भी आप लोगों को बतलाया है, उनके माध्यम से जब टोडरमल जी की असमय में मृत्यु हो गई और उन्हें मृत्यु के घाट उतार दिया गया, तो मानो जयपुर जैन समाज में थोड़ा सा विद्वेष का वातावरण बन गया। और बाद में नरेश भी ने, पृथ्वी सिंह जी, तो पृथ्वी सिंह जी ने सबको संभाला,
सबके प्रति बहुत वात्सल्य, सबके प्रति बहुत प्रीति, सबके प्रति बहुत ऐसा साधर्म्य हो जैसा, अरे नहीं नहीं आप जैन हैं, आप काम करो साहब, जैन मंदिर बनवाओ साहब, जगह जगह ये करो, दीवान अमरचंद जी, बड़े दीवान जी, छोटे दीवान जी, ये सब रतन चंद जी दीवान, दीवान बदी चंद जी, कितने काम किए उन्होंने सब, दीवान दीवान परिवार, दीवान बदी चंद जी हुए हमारे, बदी चंद जी का मंदिर है जयपुर में, बड़ा गजब का मंदिर है, ऐसे अमरचंद जी दीवान का मंदिर है, छोटे दीवान जी का मंदिर कहलाता है, बड़े दीवान जी अलग थे, दीवान रतन चंद जी थे, ये सब राजघराने के अंदर बहुत वर्चस्व था इन लोगों का सबका। अभी सुन लो बात, तो क्या कहना चाह रहा हूं मैं, अभी सुनना गजब की बात। ये कह रहे हैं पृथ्वी सिंह नरेश श्रद्धावान था, सुजान ज्ञानवान था, तिनके धर्म में बहुत प्रीति थी, साधर्मियों के प्रति प्रीति थी, और देव शास्त्र गुरु की सदा उर्मे महा प्रतीति, देव शास्त्र गुरु के प्रति भी हृदय में बहुत प्रतीति रखने वाला था, श्रद्धा रखने वाला था पृथ्वी सिंह नरेश। और सुनो अब क्या कह रहे हैं, बात सुनना गजब की। आनंद सुत तिन को सखा नाम जु दौलत राम, भृत्य भूप को कुल वणिक जाको वसवय धाम। अब अपनी बात कह दी, क्या कहा, आनंद सुत तिन को सखा, पिछली तीन लाइनों में जो पृथ्वी सिंह राजा की चर्चा की है उसके बारे में कहते हैं आनंद राम जी कासलीवाल का सुपुत्र, उनका दोस्त था जिसका नाम था दौलत राम, माने दौलत राम जी कासलीवाल जयपुर के राजा पृथ्वी सिंह के दोस्त थे, घनिष्ठता थी, निकटता थी, राजघराने से इतने घनिष्ठ संबंध थे, क्योंकि पिताजी के समय से, चाचा जी पिताजी के समय से राजघराने के साथ में वो राजकीय राज कार्यों को देखते थे, तो अपने आप ही इनको तो बचपन से खिलाया था, इनको तो साथ में रहे थे, या उनसे छोटे होंगे समझ ले तो साथ में बराबर के रहे होंगे, तो दोस्त जैसे रहे होंगे। तो कह रहे और आनंद राम जो थे, ये दौलत राम जी के पिताजी का नाम है, आनंद सुत तिन को सखा नाम जो दौलत राम, दौलत राम नाम इनका। और कह रहे हैं भृत्य भूप, भृत्य थे, भृत्य माने कार्य करने वाले, और भूप राजा के यहां, और कुल से बणिक थे, बणिया घर में जन्म लिए थे, और जाको वसवे धाम, वसवा के निवासी थे, जाको वसवे धाम, अपना परिचय दे रहे हैं, पृथ्वी सिंह नरेश के दोस्त और राजा के यहां काम करने वाले भृत्य, और बणिक बनिया कुल में पैदा हुए, बसवा जिनका धाम था। कुछ एक गुरु पर ताप से कीनो ग्रंथ अभ्यास, लगन लगी जिन धर्म सो जिन दासन को दास। अपना परिचय दे दिया, भैया मैं कोई महान पंडित हूं, मैं कोई महान ज्ञानी हूं, अरे तुम्हें पता नहीं है मैं कितना बड़ा विद्वान हूं, नहीं भाई साहब कुछ नहीं, कुछ नहीं, सरलता से बात कह रहे हैं। कुछ एक गुरु प्रताप से, गुरुओं की महिमा है, गुरुओं के प्रताप से, गुरु कौन, साधु संत तो थे नहीं उस जमाने में जिस जमाने में ये हुए थे, कौन गुरु, भूधरदास जी गुरु थे इनके, उनसे शिक्षा प्राप्त की थी, इधर पुराने विद्वान रहे हैं, शैलियां चला करती थी, कितने ही लोग बैठते थे, सीखते थे, न्याय व्याकरण आदि का अभ्यास किया करते थे। कुछ एक गुरु प्रताप सो ग्रंथ अभ्यास किया इन्होंने, और लगन लग गई जिन धर्म से, यही तो बात है भाई साहब, जिसको लगन लग जाती है ना फिर उसकी तो जिंदगी बदल जाती है। ये जैन धर्म का, ये जैनवाणी का रस ही कुछ अलग प्रकार का होता है, ये तत्व का रस कुछ अलग प्रकार का है, ये भेद विज्ञान और ज्ञान वैराग्य का रस कुछ अलग प्रकार का है। एक बार जिसे ज्ञान वैराग्य का ये रस लग जाता है फिर दुनिया के सारे रस फीके हो जाते हैं उसके सामने, बोलो, दुनिया के सारे रस पीके पड़ जाते हैं। अरे काय का रस, काय का भोगों का रस, काय का खाने का रस, काय का निंदा चुगली आलोचना लड़ाई झगड़े विवाद, सब खत्म है, कुछ नहीं है। लगन लगी जिन धर्म सो, और कैसे हैं खुद के बारे में, पद के अंतिम चरण देखना, जिन दासन को दास, मैं जिनेन्द्र देव का दास नहीं हूं, जिनेन्द्र देव के दास का दास हूं। क्या कह रहे हैं, जिन दासन को दास, जिनेन्द्र भगवान के जो दास हैं वे तो सच्चे सेवक हैं,
जिनेंद्र भगवान के जो दास हैं वे तो मुनिराज हैं, जिनेंद्र देव के जो दास हैं वे तो बड़े बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी धर्मात्मा हैं, और मैं तो दास का भी दास हूं। क्या कह रहे हैं, बातें कहां से लाते हैं, क्या शब्द होते हैं, कैसे चुनकर के शब्द रखे जाते हैं। जिन मतलब जिनेंद्र देव, दासन दास लोग माने उनके सेवक माने भक्त, जिनेंद्र भगवान के भक्तों का भक्त हूं। जिन दासन को दास, तासों रतन दीवान ने। अब बात कह रहे हैं, पूरा परिचय दे दिया, टोडरमल जी की मृत्यु हो गई, समाज में वातावरण में चलने लग गया, पूरा टीका पूर्ण होनी चाहिए, कोई करने वाला होना चाहिए, कोई लिखने वाला होना चाहिए, कोई यदि हो जाए काम तो बढ़िया काम हो जाए। जयपुर नरेश थे, श्रद्धावान थे, और उनका एक दोस्त हुआ करता था आनंद राम जी का सुपुत्र दौलत राम नाम का कासलीवाल, बनिया कुल में पैदा हुआ था, बसवा का रहने वाला था, राजा का सेवक था, गुरु प्रताप से उसने थोड़ा बहुत शास्त्रों का अभ्यास किया, जैन धर्म की लगन लग गई, और दास का दास है। उससे उस व्यक्ति से अपने आप के बारे में कह रहे, मुझसे ऐसा कह रहे, तासों रतन दीवान ने कही प्रीति धरिए, करिए टीका पूर्णा उर्धरि धर्म स्नेह। क्या कह रहे हैं, तासों रत्न दीवान ने, दीवान रतन चंद जी ने अत्यंत प्रीति धर के यह बात कही, कही प्रीति धरी ये मतलब ये बात कही अत्यंत प्रीति धर के। क्या कही दौलत राम जी से, करिए टीका पूर्णा, अरे भैया इस टीका को पूर्णा करो ना, इस टीका को संपन्न करो, इस टीका को पूर्ण करो, उर्धरी धर्म सने, अपने हृदय में धर्म के प्रति प्रेम धारण करके इस टीका को पूर्ण करो। देखो टीका थी इसलिए दौलत राम जी ने भी हिम्मत कर ली, क्या वो ग्रंथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूर्ण नहीं कर सका आज तक कोई भी, बीच में प्रयास भी किए गए, लिखा भी कराया भी, लेकिन पता ही नहीं किसी को, कुछ नहीं हुआ, कौन कौन जाने उसको। तब टीका पूरण करी भाषा रूप निधान, कुशल होए चौ संग को लहे जीवन निज ज्ञान। क्या कह रहे हैं, तब ये टीका पूर्ण की है, भाषा रूप भाषा टीका हमने बना दी है, ये निधान बना दिया है, भाषा रूप ये निधान बना दिया गया है, कुशल होए चारों तरफ, चारों तरफ कुशलता का वातावरण होवे, कहां कुशल होए चौ संग को, मुनि आरी का श्रावक श्राविका चतुर्विध संघ का कुशल होए, और लहे जीव निज ज्ञान, भैया जीवों को अपना ज्ञान प्राप्त होवे, जगत के जीवों को इस बात का पता लगे कि मैं कौन हूं, जगत के जीवों को इस बात का पता लगे कि मेरा क्या स्वरूप है, जगत के जीव इस बात को पहचाने कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, ये आत्मा कौन है। ये देखो लहे जीव निज ज्ञान, अपने ज्ञान को प्राप्त करें, दुनिया का ज्ञान नहीं। शिक्षा क्या दे रहे हैं अंत में, ग्रंथ लिखने का उद्देश्य श्रावकाचार समझ लो, ग्रंथ लिखने का उद्देश्य जिनवाणी समझ लो, ग्रंथ लिखने का उद्देश्य ऐसा नहीं कि अजय सल्लेख ना समझ में आ जाएगा भैया ग्रंथ पढ़ना, अरे नहीं, अपना ज्ञान प्राप्त करो, अपने आप को जानो। माने ग्रंथ लिखते लिखते भी अंत में क्या कह रहे हैं दौलत राम जी साहब कि भैया तुम तो ये शास्त्र के ज्ञान में मत अटक करके रह जाना, हमारी तो भावना ये है कि दुनिया को नहीं अपने आप को जानो, शास्त्रों को नहीं अपने आप को जानो, जिनवाणी के माध्यम से जिनवाणी के मर्म को अपने आप में देखो। लहे जीव निज ज्ञान, और सुखी होए राजा प्रजा होए धर्म की वृद्धि, मिटे दोष दुख जगत के पावे भवि जन सिद्धि। क्या कह रहे हैं, बोलो, सुखी हो ये राजा प्रजा। देखो इनके मन में टीस तो चल रही होगी ना कुछ सामने टोडरमल जी की मृत्यु होते हुए देखा, टोडरमल जी जबरदस्त विद्वान थे, मुनि राजो जैसी अचल वृत्ति थी टोडरमल जी की, हैं? मैंने कहा था ना एक दिन इन्होंने बोला, अपने प्रमाण सागर जी महाराज ने बोला टोडरमल जी की वृत्ति के संदर्भ में, अरे टोडरमल तो महान आत्मा थे, प्रमाण सागर जी महाराज का वचन वो कितना जबरदस्त है, वो 2.5 मिनट का उनका वो क्लिप सुनी होगी आप लोगों ने, टोडरमल जी की महिमा बखान करने वाला, अरे मैं तो अजर अमर तत्व हूं, हे हाथी तू क्या निडरता, क्या निर्भीकता, क्या संलेखना का परिणाम होगा टोडरमल जी साहब का, सब कुछ देखा था और माहौल भी देखा था सब कुछ,
भावना भा रहे हैं, भैया सुखी होए, राजा भी सुखी हो और प्रजा भी सुखी हो, भावना तो ये है। और होए धर्म की वृद्धि, धर्म की वृद्धि हो सब में, सब लोगों में धर्म की वृद्धि हो, धार्मिक वातावरण हो, धार्मिक शिक्षा हो, धर्म पढ़े, क्योंकि धर्म ही एकमात्र ऐसा है जिससे सुखी होए राजा प्रजा। मैं इस लाइन का मैं दूसरे प्रकार से अर्थ करूं, पिछले चरण को आगे ले लो और आगे वाले को पीछे ले लो, तो अर्थ दूसरे प्रकार से निकलता है। देखो, होए धर्म की वृद्धि, सुखी होए राजा प्रजा। यदि धर्म की वृद्धि होगी, होए धर्म की वृद्धि, यदि धर्म की वृद्धि होगी तो सुखी होगी राजा भी और सुखी होगी प्रजा भी। धर्म की वृद्धि होगी तो राजा और प्रजा सभी सुखी होंगे। कहने का अभिप्राय यह है भाई साहब कि धर्म ही एकमात्र वह है जो जगत के जीवों को सुख और शांति प्रदान कर सकता है। यदि जगत में सुखी होना हो तो धर्म ही एकमात्र शरण है, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, अन्यथा शरणम नास्ति, दूसरा कोई शरण नहीं है, धर्म ही एकमात्र शरण है। धर्म ही चिंतामणि है, धर्म ही कामधेनु है, धर्म ही वह कल्प वृक्ष है जिसमें याचना नहीं है, जिसमें भिखारी वन नहीं है। धर्म ही वो है जिससे परिणामों में शांति होती है, धर्म ही वो है जिससे मन में शांति होती है, धर्म ही वो है जिससे घर में शांति होती है, धर्म ही वो है जिससे समाज में शांति होती है, वातावरण में शांति होती है, देश में शांति होती है, धर्म। और मिटे दोष जो दुख जगत के, क्या कह रहे हैं भाई साहब, मिटे दोष दुख, दुख भी मिट जाएं, दोष भी मिट जाएं इस सारे जगत के, और भव्य जीवों को सिद्धि की प्राप्ति हो जावे, पावे भविजन सिद्धि, भव्य जीवों को सिद्धि की प्राप्ति हो जावे। ये अंतिम भावना है, और क्या कहें, इससे ज्यादा ग्रंथ की संपन्नता क्या हो सकती है कि जगत के जीवों को ये बात कह दी, भैया धर्म ही तेरा सच्चा साथी है। इससे ज्यादा ग्रंथ की संपन्नता और क्या हो सकती है, पूर्णाहुति और क्या हो सकती है, समर्पण और क्या हो सकता है। जगत के जीव इस बात को समझ लेवे, धर्म ही मेरे लिए शरणभूत है, दूसरा कुछ नहीं, धर्म ही मेरे लिए चिंतामणि है, धर्म ही मेरे लिए सब कुछ है, धर्म से बढ़कर कुछ नहीं है ये बात। और फिर अंतिम दो लाइनें तो भर्ती जैसी है मैंने पूरी करने के लिए, जो लेखक लिखा करते हैं, अठारह से ऊपरे 27 मास मार्ग शिर ऋतु शिशिर सुधि दो यज रजनीश, क्या 18 से ऊपरे संवत 27, मतलब विक्रम संवत 1827 के समय की बात है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, टोडरमल जी की मृत्यु हुई विक्रम संवत 1823-24 में, क्या 2017 है ना अभी, विक्रम संवत 1823 में 24 में, 23 या 24 में टोडरमल जी की मृत्यु हुई, और विक्रम संवत 1827 में माने टोडरमल जी की मृत्यु के 3 वर्ष बाद इन्होंने ये इस ग्रंथ की टीका लिखी। 18 से ऊपर 27 संवत 27, 1827 संवत हो गया। मास महीना कौन सा था, बोले मंगसिर, क्या मंगसिर है ये, मार्गशीर्ष मंगसिर का महीना है, और ऋतु कौन सी थी, बोले शिशिर, शिशिर ऋतु, तीन तीन मतलब दो दो महीने की ऋतुएं होती है ना अपने यहां, अपने देश में 6 ऋतुएं होती है, मालूम है आप लोगों को, उसमें शिशिर ऋतु जो है ये ठंड की ऋतु है, दिसंबर लास्ट से लेकर के और फरवरी लास्ट मार्च स्टार्टिंग तक ये 2-1 महीने का जो काल है ये शिशिर ऋतु का काल कहलाता है। शिशिर ऋतु माने सर्दियों के दिनों में, माने फरवरी लास्ट मार्च फर्स्ट वीक के आसपास, मतलब समझ लीजिए अपन जिस समय पूरा कर रहे हैं ना, दौलत राम जी ने भी इसी समय पूरा किया था विंटर में, माने दौलत राम जी का असली वाल यही शिशिर ऋतु चल रही है, वही महीना वही समय चल रहा है लगभग, माने इसी महीने के आसपास दौलत राम जी ने क्या किया, पूरा किया। तिथि कौन सी थी, बोले सुधी शुक्ल पक्ष, दोयज माने दोज, रजनीश शाम का समय। तो मंगसिर महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन ये ग्रंथ लिख करके पूर्ण हुआ। अभी तो सुनना, नीचे की लाइन बड़ी गजब की है, इति श्री अमृत चंद्र सूरी कृत पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, अपर नाम अपर नाम अपर नाम, भूल गए आप लोग,
ग्रंथ शुरू किया था उस समय बतलाया था। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का दूसरा नाम क्या है? जिन प्रवचन रहस्य कोश, ये नाम है। जिन प्रवचन रहस्य कोश है इसका नाम। जिनेंद्र भगवान के प्रवचनों का माने जिनवाणी का माने भगवान की दिव्य ध्वनि का रहस्य बतलाने वाला ये कोश ग्रंथ है। मानो ये ग्रंथ संपूर्ण हुआ। इस प्रकार पंडित श्री दौलत राम जी कासलीवाल कृत सकल चारित्र भाषा टीका समाप्त। इस तरह से हमने हमारे संकल्प अनुसार आज इस ग्रंथ को यहाँ अंतिम प्रशस्ति के रूप में यहाँ संपन्न किया है। हमारा ये ग्रंथ यहीं संपन्न होता है। पूरे ग्रंथ के प्रवचन YouTube पर अवेलेबल हैं और उनको आप प्रेरणा दे सकते हैं, सूचना दे सकते हैं। आद्योपांत ग्रंथ का स्वाध्याय जो कोई भी करना चाहे वो नियमित कर सकता है। बहुत सारे लोग पीछे से लिंक फॉलो कर रहे हैं और पीछे चल रहे हैं। मेरे कई लोगों का फोन आता है, कहते हैं पीछे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, सुन रहे हैं, रेगुलर सुन रहे हैं, चलता रहता है। ग्रंथ आज संपन्न हो गया। विकल्प है कल से क्या करेंगे पंडित जी? मैं सूचना दे चुका हूं, कल से एक नई रचना दिगंबर जैन समाज में, जैन समाज में, सकल समाजों में जैन मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए, जीव मात्र के लिए, मनुष्य मात्र के लिए उपकारी रचना मेरी भावना। सुंदर रचना है मेरी भावना का, 2 पेज की कृति है। उसका PDF हम डाल देंगे अपने ग्रुपों के ऊपर। आप खोल करके बैठे हैं, आप प्रिंट आउट निकाल करके बैठे हैं। हम आगे आने वाले 2-5-7 दिनों में हम उस मेरी भावना का अर्थ करेंगे। अद्भुत रचना है, अद्भुत भाव भरे हुए हैं उस मेरी भावना के। आप हर व्यक्ति को सूचित कर सकते हैं, हर व्यक्ति को बतला सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को। ग्रंथ पूरा हो गया कोई बात नहीं, लेकिन अब आप बतला सकते हैं कि भैया मेरी भावना चल रही है। पाठ करते हो ना मेरी भावना का, बोलते हो ना मेरी भावना, उसका अर्थ समझ लो आप। कल मिलेंगे हम रात को ठीक 8 बजे मेरी भावना के अर्थ को साथ में लेकर के। अभी की चर्चा को यहीं विराम दे रहा हूं। कुछ दिनों बाद में जो ग्रंथ हम संयम प्रकाश शुरू करने वाले हैं उसके लिए हमने एक टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुपों के ऊपर लिंक डाल दी है। आप वहां से उस फॉर्म को फिलअप कर देवे तो हमारे पास में आपका नाम, एड्रेस, पता सब कुछ आ जाएगा। आपको उस पते के ऊपर जब भी ग्रंथ छप करके तैयार होगा आपको भेज दिया जाएगा। उस ग्रंथ को हम शुरू करेंगे। समय थोड़ा सा ज़्यादा हुआ, अंतिम दिन था और ग्रंथ के संपन्न होते होते यदि इस पूरे ग्रंथ के वाचन करने में, इसके पढ़ने में, इसके समझाने में, इसकी व्याख्या में यदि किसी प्रकार मेरे से कोई चूक हो गई हो तो मैं अंतिम प्रसंग में आज आपसे हृदय से क्षमा याचना करता हूँ। जिनवाणी का मर्म, जिनवाणी की भावना अनुसार समझना, अर्थ का अनर्थ ग्रहण नहीं करना, भावपूर्वक जिनवाणी का अभ्यास करना। कल मिलेंगे रात को 8 बजे। जय जिनेंद्र। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमो कर मंत्र। ओम नमो सिद्धाय नमो।